तो अभी हम लोग जा रहे हैं दीदी को लेने के लिए, उनकी फर्स्ट मूवी रिलीज होने वाली है आज, तो अभी हम लोग सब लोग साथ में जा रहे हैं उनको रिसीव करने और बहुत धमाल होगा, है ना यशिका? हाँ। कैसा लग रहा है आपको आज? मम्मा मम्मा, मेरी बेटी का आज फिल्म रिलीज हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे, पहली बार पहला फिल्म। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आ रही है, उसको लेने जा रहे हैं हम लोग। मिला धो के रख दिए थे तो भूल गया, सामने में ही ले लिया, तो भी जल्दी जल्दी में हम लोगों ने ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए दीदी को। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं दीदी का, उनको रिसीव करने आए अब हम लोग, तो निकलती है दीदी। स्माइल देखो इधर, यशिका को भी मिल गया फ्लावर। अब यशिका पर्सनली वेलकम करेगी, है ना यशिका? यशिका इधर आ जाओ बेटा, कम आ गई फाइनली दीदी। रुके हैं हम पटना में आज अपनी फैमिली के पास, और आज बहुत बड़ा दिन है, कल तो प्रीमियर था ही लेकिन आज अपने शहर में प्रीमियर है, तो आज तो धमाल मचने वाला है थिएटर में। आर यू गाइस एक्साइटेड? ये रंग दे बसंती रॉक्स आज हम रिएक्शन देखेंगे अपने परिवार का, टिश्यू विशू लेके चलना, बहुत रोलाने वाला है। हेलो एवरीवन, पीछे यशिका प्रियंका और ये ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं प्रीमियर के लिए, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये हम सब के लिए पहला प्रीमियर है, है ना जी? हम लोगों ने कभी अभी प्रीमियर तो नहीं देखा है, मूवीज तो देखी है बट प्रीमियर शो मतलब देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और थैंकफुली ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है इस बार दीदी के कारण कि हम लोग भी जाए प्रीमियर में, तो हम लोग रेडी होके बस पहुंच रहे हैं। तो बाकी लोग एक्साइटेड हैं या नहीं? बोलो ये। क्या छूट गया? ओ कोई बात नहीं, यशिका ने नेल आर्ट भी किया है और आप लोगों को दिखाती हूँ यशिका का नेल आर्ट। पहुंच गए हम लोग अंबुजा निकोटिया मॉल और अब यहां से जाएंगे हम लोग आईनॉक्स। देखो इधर टर्न करो यशिका। और दीदी लोग दूसरे गेट पे हैं, हम लोग दूसरे गेट पे हैं, तो भी अंदर जाके सारी चीजें धीरे धीरे आप लोगों को भी दिखाऊंगी और मैं भी देखूंगी। बात है एक एक करके सब निकल रहे हैं। वाह वाह। यहाँ दीदी और खेसारी लाल जी आ गए। यशिका देखो कितनी भीड़ है।
इधर बैठ जाइए, आइए आप लोग इधर इधर। खाना या विश्वास का समर्थन या सीट उठवावे कि ना तोहरा चक्कर में वीडियोग्राफर रफू चक्कर हो गई। अब पूरा शादी के वीडियोग्राफी के करी खत्म होने के बाद इंटरव्यू के लिए जो भीड़ है, ओ माय गॉड, सारी मीडिया, फैंस, फोटोग्राफर्स, सभी लोग। सर भोजपुरी को एक बड़ा नाम दिया खेसारी भैया, भोजपुरी को भगवान कसम जो फिल्म आपने बनाई है ये फिल्म भोजपुरी को एक नया उड़ान देने जा रही है। हम आपका पैर छूते हैं खेसारी भैया, भोजपुरी को इतने आगे बढ़ाने के लिए खेसारी भैया। और जो हमारी बगल में हीरोइन है, आपका एक्टिंग इतना जबरदस्त लगा कि उसके सामने ऐश्वर्या राय फेल है। और बाकी हमारे इधर मैम आपका तो कोई जवाब नहीं है खेसारी भैया। खेसारी भैया की भोजपुरी को प्लीज प्लीज ऐसे ही ऊपर लेके जाइए, प्लीज लेके जाइए। या प्रोडक्शन हो या लोकेशन हो चाहे जो भी है, थोड़ा भैया क्लास के बोलिए भैया। तो उन्होंने जितना मेहनत किया अब हम सबकी एक दायित्व बनता है कि हम खेसारी भैया थोड़ा क्लास के बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम उतना ही मेहनत करें जितना सब कलाकारों ने और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने किया। तो अब आप लोगों का बारी है, हमने अपना काम कर दिया। जैसे कि नेताओं को लोग जिताते हैं उसके बाद नेताओं का काम होता है। गाड़ी कहाँ बा? ना जीवन में कितना बढ़िया आज तक ने के देख लिया। जानती लेकिन मैंने कोशिश की है, मैं जानती थी कि मैं जरूर आगे लेकिन एक अच्छे प्रोजेक्ट की इंतजार ले थी और अब मैं आ चुकी हूँ। मूवी देख के दीदी का रंग दे बसंती और जो एक्टिंग किया है दीदी ने, वाओ, है ना? मूवी तो सबसे ज्यादा जबरदस्त एक्टिंग, वाह सुपर्ब। यशिका तो पूरा सो के मूवी देखी है, बहुत एंजॉय किया और पॉपकॉर्न तो जो खाया है यशिका ने डब्बी भर के खाई, मतलब कि नहा भी सकते उसमें। हाँ, इतना पूरा बकेट फुल करके इन्होंने खाया है पॉपकॉर्न भी। तो आप लोग भी जाइए मूवी देखिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया मूवी। और एक्टिंग देखनी है तो देखिए, क्योंकि वो भोजपुरी में बहुत नई चीज़ है जो मैं कहूँगी कि देखने लायक। तो ये भोजपुरी मूवी रंग दे बसंती सच में एक बार देखना तो बनता है हॉल में। तो आप लोग भी जाइए अपने नज़दीकी हॉल में, थिएटर में, ये ऑल ओवर इंडिया में लगी हुई है।
तो वहाँ जाइए, मूवी इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी। फिल्म भाई सारी भैया एक फोटो दे दीजिए।